नमस्कार, आप देख रहे हैं livecities.in। बिहार में मौसम काफी तेजी से गर्म हो रहा है। राजधानी पटना और आसपास का इलाका फिर लू के चपेट में आ गया है। मौसम ने अचानक तेजी से करवट ली तो लोगों को जेठ की गर्मी का एहसास होने लगा। तापमान बढ़ने से गया और राजगीर के पहाड़ तपने लगे हैं। रविवार को गया में अधिकतम तापमान 42.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड गया, जबकि पटना का पारा भी 40 पर पहुंच गया। सोमवार को गर्मी और बढ़ने के आसार हैं। गर्म पछुआ हवा का असर पूरे बिहार में दिख रहा है। हालांकि सोमवार को प्रदेश के कुछ हिस्सों में आंधी की संभावनाएं हैं। 8 मई से तापमान में गिरावट हो सकती है। गर्मी की वजह से सड़कें सूनी दिख रही हैं। जिन्हें जरूरी हो वही लोग दिन में घर से बाहर निकल रहे हैं। खासकर स्कूल जाने वाले बच्चों और कॉलेज जाने वाले युवाओं को खासी परेशानी हो रही है। राजधानी समेत पूरे पटना जिले के स्कूल की टाइमिंग को बदलने का आदेश डीएम कुमार रवि की ओर से दिया गया है। नर्सरी से लेके कक्षा 8 तक की पढ़ाई सुबह से 6:45 से करने को कहा गया है, जबकि क्लास की समाप्ति 11:45 पर करने का आदेश डीएम ने दिया है। दरअसल स्कूल की टाइमिंग को बदलने का आदेश राजधानी समेत पूरे जिले में बढ़ती हुई गर्मी के मद्देनजर दिया गया है। सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों पर पटना के डीएम का ये आदेश लागू होगा। इसी के साथ लाइव सिटी से प्रज्ञा की रिपोर्ट।